स्थिति, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और उल्टा पुल्टा बयानबाजी कर रहे हो। एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है, उसका जब टेस्ट हुआ है तो ये यूरेशियन मुल्क का है, तो रशियन मुल्क का ये मुल्क है, यहाँ से आ करके हम लोगों को है। इस तरह का स्टेटमेंट आप वापस लीजिए। यदि आप स्टेटमेंट वापस नहीं लीजिएगा तो हम लोग सुपौल में उग्र आंदोलन करेंगे, सुपौल में नहीं पूरे बिहार में, और माफीनामा भी लीजिए आप, नहीं तो आपके ऊपर हम लोग केस करेंगे और इस मुद्दा को लेकर के पटना तक जाएंगे, आपके नेता तक, नहीं तो आप बयानबाजी इमीडिएट बंद कर दीजिए। भास्कर आई केयर सेंटर, हॉस्पिटल चौक, विराटनगर। संपर्क करें 9801325172 और 00977982072595 पर। राजद नेता यदुवंश कुमार यादव ने ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसको लेकर ब्राह्मणों में काफी आक्रोश है। सुनिए क्या कुछ है इस बयान में। समुद्र को पार करने के लिए एक बाबा साहब सहारा है, इस सहारा को और इन्होंने जो हमें पत्रवाद किया है, जिस पत्रवाद को जितना चाहना है जितना चाहना है, उसी के बल पर हम अगर चलेंगे तो निश्चित हमारी सफलता है। वो इस देश का नहीं है, इस देश के हम निवास हैं, वो यूरेशियन है। आज वैज्ञानिक युग में उसके उसके डीएनए का टेस्ट हुआ। एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है, उसका डीएनए जब टेस्ट हुआ है तो ये यूरेशियन मुल्क का है, तो रशियन मुल्क का ये मुल्क है, यहाँ से आ करके हम लोगों को आपस में मिला करके लड़ा करके झगड़ा करके आप ये शासन सत्ता करने का काम कर रहा है और हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जैसे वहाँ से उसको भगाया गया इसके आतंक से, उसी तरह यहाँ से हम लोगों को भी यहाँ से उसको भगाना होगा। इस बयान के बाद ब्राह्मणों का आक्रोश फूट पड़ा है और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के संरक्षक संजीव मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजद नेता यदुवंश कुमार यादव का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है ऐसा कहा है। और क्या कुछ कहा संजीव मिश्रा ने, सुनिए। राजद नेता यदुवंश कुमार यादव ने ब्राह्मणों को भारी बताया। देखिए मैं आपको बता दूं और आपके माध्यम से यदुवंश यादव जी को बताना चाह रहा हूं और उनके उसके जो शीर्ष नेता है उन तक मैं मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि एक तरफ आप ए टू जेड पार्टी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको आप जगह नहीं दे पा रहे हैं या उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और उल्टा पुल्टा बयानबाजी कर रहे हो। वो चाह रहे हैं कि इस तरह का हम बयानबाजी करके अपना पार्टी में जगह बनाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यदुवंश यादव जी को ये बताना चाहूँगा कि आप चूंकि पिछले बार चुनाव हार गए थे तो आपकी मानसिक स्थिति काफी टाइम से अच्छी नहीं चल रही है, अपना इलाज कराइए और आपको इतिहास पढ़ने की भी जरूरत है। आप इतिहास पढ़िए कि ब्राह्मण का क्या योगदान रहा है इस हिंदुस्तान को संवारने में, आपको भली भांति पता है, आप ये जान रहे हैं। और इस तरह का कंट्रोवर्सी बयान दे करके आप मीडिया की सुर्खी में जो छाना चाह रहे हैं ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपस में जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल करके आपस में अच्छा, सबका मिलना जुलना है, अच्छे तरीके से रह रहे हैं। इस तरह का स्टेटमेंट आप वापस लीजिए। यदि आप स्टेटमेंट वापस नहीं लीजिएगा तो हम लोग सुपौल में उग्र आंदोलन करेंगे, सुपौल में नहीं पूरे बिहार में, और माफीनामा भी लीजिए आप, नहीं तो आपके ऊपर हम लोग केस करेंगे और इस मुद्दा को लेकर के पटना तक जाएंगे, आपके नेता तक, नहीं तो आप बयानबाजी इमीडिएट बंद कर दीजिए। इस तरह का कंट्रोवर्सी आप पहले भी आपने स्टेटमेंट दिया है और आज भी आप दे रहे हैं, इसको वापस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अपना इलाज भी कराइए, आपको और दिक्कत इलाज कराने में तो हम लोग मिलकर के आपका इलाज करवा देंगे। आपने सुना राजद नेता यदुवंश कुमार यादव को और उसके प्रतिक्रिया में संजीव मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आपने दोनों को भी सुना। इस खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय प्रतिक्रिया है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और सारी खबरों को देखने के लिए बने रहे आकाशवाणी न्यूज के साथ। सहयोगी प्रिंस राज के साथ आशीष कुमार सिंह। संकल्प इंटरनेशनल स्कूल, दुर्गा मंदिर से उत्तर, आरामील, छातापुर, सुपौल।
हमारे यहाँ योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई होती है और कक्षा 7वीं से ही IIT एवं मेडिकल की तैयारी करवाई जाती है। साथ ही हॉस्टल एवं स्कूल वैन की भी सुविधा मौजूद है। अधिक जानकारी के लिए फाउंडर इंजीनियर अमित कुमार से संपर्क करें 9294966460 और 7739330199 पर। साई हॉस्पिटल चुन्नी छातापुर वार्ड नंबर 1 सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।